Okay. लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टार्ट द चैप्टर सीमेंट। सीमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, राइट? और सीमेंट वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या चीजें पढ़नी थी? सीमेंट वाले चैप्टर के अंदर हमें उसकी डेफिनेशन पढ़नी थी। डेफिनेशन के साथ में हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय रोटरी किंग मैथड। रोटरी किंग मैथड के से उसे कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। देन केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग के बारे में। एंड लास्ट टॉपिक विच यू हैव टू कवर कवर दैट इज द रोल ऑफ जिप्सम। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सीमेंट क्या होता है। द मटीरियल विच हैव कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को, ब्रिक्स को, स्टोन्स को आपस में बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, उस मटीरियल को हम बोलते हैं सीमेंट। उसके बाद में हमने देखा था सीमेंट का क्लासिफिकेशन। सीमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि सीमेंट जो होता है वो चार तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? नेचुरल सीमेंट होता है, पोजोलिना सीमेंट होता है, स्लेक सीमेंट होता है, एंड फोर्थ इज पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम एस्पेडिन। विलियम एस्पेडिन ने 1835 में इसको क्या किया था बेटा? डिस्कवर किया था। आफ्टर दैट इसको जो इसका जो नेम है पोर्टलैंड सीमेंट, वो क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि पोर्टलैंड में जो स्टोन मिलता है उसका जो कलर है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इस सीमेंट के साथ में रिजेंबल करती है, तो उसको पोर्टलैंड स्टोन बोलते थे। तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? पोर्टलैंड सीमेंट दे दिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था? विल गो फॉर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के अंदर हमने देखा कि क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट हमने देखा था कि लाइम होता है, CaO, लाइम। लाइम जो होता है वो कितना होता है? 60-69% के आसपास होता है, और 60-69% के साथ में ये होता है। साथ ही हमारे पास में दिस इज अ प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज में यही होता है, तो दिस इज अ प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट एज वेल। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इसके अंदर हमने पढ़ा था इसका जो सोर्स होता है, सोर्स होता है वो कौन होता है? कैलकेरियस मटीरियल, वो सभी जिसके अंदर CaO मिल सके हमें, मार्बल है, लाइमस्टोन है, चौक है, इन सभी के अंदर हमको मिलता है। और इन सभी जो मटेरियल जिसके अंदर CaO मिलता है हमको, उसको क्या बोलते हैं? हम कैलकेरियस मटेरियल बोलते हैं। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी, सेकंड कंपोजिशन के अंदर सेकंड मटेरियल जो था दैट इज SiO2, सिलिका, जिसकी एब्रिवेटेड फॉर्म क्या थी? एस थी। इट इज प्रेजेंट 17-25% के अराउंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? अर्जुलेशियस मटेरियल। पहला था कैलकेरियस, दूसरा क्या हो गया? अर्जुलेशियस मटेरियल, जिसके अंदर SiO2, क्ले है, सैंड है, हमें मिल जाती है। नाउ इसका मेन जो मतलब फंक्शन होता है वो क्या होता है? इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था आपके पास में एल्यूमिना, Al2O3, एब्रिवेटेड फॉर्म्स की थी ए, ए से इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इट इज प्रेजेंट 3-8%। जनरली ये किसमें होता है? अर्जुलेशियस मटीरियल, मतलब SiO2 रेत और सिलिका जो होती है उसी के अंदर ये मिक्स होता है, अलग से हमें मिक्स नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसके इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन जो था वो क्या था बेटा? कि ये सीमेंट के क्विक सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। सीमेंट कितनी जल्दी जमेगा ये कौन डिसाइड करेगा? उसके अंदर एल्यूमिना का जो परसेंट है वो डिसाइड करेगा, ये क्विक सेट करवाता है सीमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास में था आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो 2-4% होता है, इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म जो होती है वो F होती है, और इसका जो सोर्स होता है दैट इज अ फेरिफेरस मटीरियल, इसका सोर्स होता है। एंड ये किसके लिए होता है? इट इज इट प्रोवाइड्स कलर एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, ये स्ट्रेंथ और कलर देने का काम करता है। यदि हमारे पास में ग्रे कलर का सीमेंट नहीं है और हमको व्हाइट कलर का सीमेंट यूज करना है, तो Fe2O3 की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग? Fe2O3 की जगह हम लोग आयरन सल्फाइड यूज करते हैं, FeS यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द सम ऑफ कंपाउंड्स लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स थे, K2O, Na2O,
माइन्यूट अमाउंट के अंदर, कुछ परसेंटेज के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं. एंड इनका मेन काम क्या होता है, दे इम्पार्ट साउंडनेस. साउंडनेस का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जब इसको पानी मिला के मिक्स करके सेट किया जाता है तो वॉल्यूम चेंज हो मिनिमम आए, इसके लिए इन कंपोनेंट्स को इसके अंदर मिलाया जाता है. दीज कंपोनेंट्स आर सारे आपके पास में MgO है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, एल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं. ये डिफरेंट परसेंटेज के अंदर, बहुत ही कम क्वांटिटी परसेंटेज के अंदर मिलाया जाता है, एंड दे प्रोवाइड साउंडनेस ऑफ द सीमेंट. और लास्ट कंपोनेंट जो था वो क्या था हमारे पास में, जिप्सम था. जिप्सम का फॉर्मूला क्या था बेटा, CaSO4.2YH2O. जिप्सम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर मिलाया जाता है. इसका फंक्शन क्या होता है, इट डिले द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. जो एलुमिना था वो क्विक सेट का काम कर रहा था, उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को डिले करने का काम कौन करता है, दैट इज जिप्सम. जिप्सम वर्क्स अगेंस्ट एलुमिना, एलुमिना के अगेंस्ट काम करता है. इज इट क्लियर, यहाँ तक सारा समझ में आ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्पेशली कौन सा देखना है हमें, रोटरी क्लीन प्रोसेस देखना है. रोटरी क्लीन प्रोसेस के अंदर उसको समझने से पहले हम लोग दो तीन चीजें फ्लो चार्ट बना के पूरा प्रोसीजर आपको समझा रही हूँ, तो उसको समझ लें. ओके, फर्स्ट आप मुझे बताओ रो मटेरियल्स जो थे क्या क्या रिक्वायर्ड है. रो मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, फर्स्ट क्या चाहिए बेटा हमको, कैलकेरियस मटीरियल चाहिए, ठीक है. सेकेंड हमें क्या चाहिए, जलीशियस मटीरियल चाहिए. थर्ड हमें क्या चाहिए, जुरेशियस मटीरियल. थर्ड हमें क्या चाहिए बेटा, पेरिफेरस मटीरियल. पेरिफेरस मटीरियल जो आयरन प्रोवाइड करेगा. फोर्थ हम लोगों को क्या चाहिए होता है इस प्रोसेस के लिए, फोर्थ हमें चाहिए होता है जिप्सम. जिप्सम बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है, चाहिए होता है. और हमें साथ में चाहिए होता है पाउडर्ड कोल. गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पाउडर्ड कोल या फिर फ्यूल ऑयल ले सकते हो. दीज आर द रॉ मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सारे रॉ मटेरियल जो है हमें रिक्वायर्ड रहेंगे. इफ यू गो फॉर स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होती है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टेप्स होती है. फर्स्ट स्टेप होती है क्रशिंग. Crushing is the first step. Crushing. Second step is, second step होती है हमारे पास में mixing. Mixing is done by humans. Maybe dry process, grind mix or wet mix. फिर हमारे पास में third step आती है बेटा, that is burning. Third step होती है burning. Burning is the most important step of this. ये जो होती है वो कहाँ पे होती है, ये रोटरी किन के अंदर होती है, पट्टी के अंदर होती है. और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन स्टेप होती है, तीन जोन होते हैं, ये समझ लो. जोन वन, जोन टू और जोन थ्री. जोन वन जो होता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग जोन बोलते हैं इसको हम. फर्स्ट जोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग जोन बोलते हैं. जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैल्साइनिंग जोन. कैल्साइनिंग जोन. और थर्ड जोन जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लिंकरिंग जोन. क्लिंकरिंग. ये डिफरेंट जोन होते हैं इसके अंदर. आफ्टर बर्निंग फोर्थ स्टेप जो आती है, दिस इज योर थर्ड स्टेप एंड इट गो फॉर फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप होती है इसकी ग्राइंडिंग कर दी जाए. ग्राइंडिंग मतलब पीसना पड़ेगा इसको. ग्राइंडिंग के समय ही इसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है और लास्ट में पैकिंग. पैकिंग करने से पहले इसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है. तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, ठीक है. हमारे पास में रॉ मटेरियल की फॉर्म के अंदर क्या क्या था बेटा, समझ में आ रहा है, राइट डाउन इन योर चैट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, यार बोर्ड क्लियर कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. चलो
कोशिश तो कर रही हूँ बेटा कि क्लीन हो जाए, बट ये देख दूसरी क्लासेस में तो प्रॉपर दिखाई दे रहा है बच्चों को, इसी क्लास के अंदर इधर से कोई प्रॉब्लम आ रही है मेनली, तो कहीं आपका नेटवर्क इशू तो नहीं है बेटा? मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, अभी फ्लो चार्ट के अंदर वापस आएगा हिमांशु पूरा टॉपिक, ठीक है? अभी जस्ट एक बार सुपरफिशियल बताया मैंने कि जो रो मटेरियल्स है वो क्या क्या होते हैं। रो मटेरियल्स के अंदर कैल्केरियस मटेरियल होता है, ऑर्जिनेशियस मटेरियल होता है, फेरिफेरस मटेरियल होता है, जिप्सम होता है, एंड पाउडर कोल या फ्यूल ऑयल होता है। कैल्केरियस मटेरियल दैट मीन्स अ सोर्स ऑफ CaO, ये किसका सोर्स होगा हमारे पास में? लाइम का सोर्स होगा। ये हमें क्या देने का काम करेगा? ये CO देने का काम करेगा। सेकेंड हमारे पास में ऑर्जिनेशियस मटीरियल, ऑर्जिनेशियस मटीरियल क्या करेगा? SiO देने का काम करेगा। आयरन Fe2O3 देने का काम कौन करेगा हमारे पास में? ये फेरिफेरस मटीरियल क्या करेगा। जिप्सम जो है वो क्या होता है? इट इज CaSO4.5H2O इज द जिप्सम। ये हमारे पास में इनिशियल सेट टाइम को डिले करने के लिए मिलाया जाता है। फिर हमारे पास में हीटिंग प्रोसेस करने के लिए पाउडर्ड कोल और फ्यूल ऑयल मिलाया जाता है। दीज आर द रॉ मटेरियल व्हिच वी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। नाउ इफ यू गो फॉर स्टेप्स, इफ यू स्टेप्स देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग। क्रशिंग के अंदर क्या होता है बेटा? ये बड़े बड़े जब हम लाइमस्टोन को निकालते हैं या मार्बल पीसेस होते हैं, ये बड़ी साइज के अंदर होते हैं, तो उस साइज के अंदर इसको हमको, या हम लोग चट्टानों को तोड़ते हैं, तो हमारे पास में अर्जिनेशियस मटीरियल आता है। तो अर्जिनेशियस मटीरियल और कैल्केरियस मटीरियल दोनों को क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है। एक मतलब पर्टिकुलर साइज की मैश से छान कर, जाली से छान कर एक पर्टिकुलर साइज की साइज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रशिंग। क्रशिंग के अंदर जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं उनको तोड़ के बारीक पाउडर की फॉर्म के अंदर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रशिंग। सेकेंड होती है मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर दो तरह की होती है बेटा, एक होता है वेट प्रोसेस, एक होता है ड्राई मिक्स। वेट और ड्राई मिक्स में क्या डिफरेंस होता है? जस्ट सुनो इसको। हमारे पास में मिक्सिंग, यदि हमारे पास में कैल्केरियस और अर्जुरिशियस मटीरियल है, दोनों को ड्राई फॉर्म के अंदर ही मिक्स कर देते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राई मिक्स बनता है हमारे पास में। बट यदि हमारे पास में कैल्केरियस मटीरियल, वो तो एज इट इज हम यूज करें, बट अर्जुरिशियस मटीरियल, अर्जुरिशियस मटीरियल क्या होगा बेटा? मिट्टी हुई हमारे पास में, क्ले हो गई, ऐसा ही ओटू होगी। ऐसा ही ओटू के अंदर जनरली क्या होता है? जितने भी सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, लाइक लकड़ी के पीसेस होते हैं, या हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर लीव्स वगैरह गिर जाती हैं, तो उस मिट्टी के अंदर मिक्स होती हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है। उस ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए उसको पानी के साथ में धोया जाता है, क्लीन किया जाता है वॉशमिल्स के अंदर। जब उसको वॉशमिल्स के अंदर क्लीन किया जाता है, तो उसके अंदर 40% वाटर जो है वो रह जाता है, पूरा क्लीन नहीं होता है। तो उस समय हमारे पास में जो मिलता है वो क्या होता है? वेट मिक्स होता है। एक हो गया हमारे पास में ड्राई मिक्स, जिसके अंदर रॉ मटेरियल को क्या कर दिया? दोनों को ड्राई फॉर्म के अंदर, कैल्केरियस और अर्जुरिशियस मटेरियल दोनों को क्रश करने के बाद में एज इट इज मिला लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई मिक्स। बट दूसरा होता है वेट मिक्स। वेट मिक्स के अंदर हमें जो मिलती होती है उसकी बेटा स्लरी होती है, सेमी सॉलिड मटेरियल मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्लरी। स्लरी के अंदर क्या होता है बेटा? कि ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए अर्जुरिशियस मटेरियल जो होता है, मिट्टी जो होती है, उसको पानी के साथ में वॉशमिल के अंदर क्लीन किया जाता है। जब उसको क्लीन करते हैं तो उसके अंदर 40% वाटर जो होता है वो रिमेनिंग रह जाता है, नहीं निकलता है। तो उस समय जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्लरी। ये स्लरी मिलती है, दैट इज अ वेट मिक्स। आफ्टर दैट इसको हम कहाँ डालते हैं बेटा? नेक्स्ट स्टेप क्या आ रही है हमारे पास में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती है, इट इज कॉल्ड बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस क्या है? बर्निंग प्रोसेस जो है कहाँ पर होता है बेटा? वो रोटरी क्लीन के अंदर किया जाता है। रोटरी क्लीन क्या होती है, इसको फिगर से पूरा समझाऊंगी मैं आपको। कई बार आपने रोड साइड पे या कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर एक प्योर शेप की, नाशपाती की शेप की बड़ी बड़ी ट्रक के ऊपर रखी हुई एक मशीन देखी होगी, वो आपके पास में 5 to 6 degree इंक्लाइन रहती है और लगातार रोटेट करती रहती है। रोटेशन पर मिनट के RPM की, 1 rotation per minute की रेट से घूमती रहती है, दैट इज अ रोटरी क्लीन। इसका फिगर भी मैं बताऊंगी और आप लोग चाहें तो नेट पे भी सर्च करें तो आपको दिख जाएगा कि रोटरी क्लीन क्या होता है बेटा। अभी इसके बाद में फिगर बनाएंगे फ्लो चार्ट बनाने के बाद में।
अब रोटरी ट्यून के अंदर क्या होता है, वो 5 to 6 डिग्री एग्जिट एंड की तरफ रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब रॉ मटेरियल अंदर की तरफ आएंगे, सपोज टू बी दिस इज द एंट्री एंड, यहाँ से अपन एंट्री कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की, तो वो हल्का सा इंक्लाइंड रहता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो अपने आप एक जोन से दूसरा जोन, दूसरे से तीसरे जोन में खिसक जाता है। फर्स्ट जोन जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन के अंदर क्या होता है बेटा, मॉइस्चर रिमूव होने का काम होता है। यहाँ पे हमारे पास अपने पूरा स्लरी के अंदर 40% वाटर है। ड्राई मिक्स के अंदर भी जो एनवायरमेंट में मॉइस्चर है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहला जो जोन होता है दैट इज ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन के अंदर क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर है वाटर है वो रिमूव हो जाता है। सेकेंड जोन दैट इज कॉल्ड कैल्साइनिंग जोन। कैल्साइनिंग जोन इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में जितना भी लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ जो टेम्परेचर रहता है बेटा, वो 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, सेकेंड जोन के अंदर जब अपन आ जाते हैं तो यहाँ पे 1000 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो है अपने पास में CaCO3 वो टूट जाता है, टूट जाता है और क्या बना लेता है, CaO और CO2 बना लेता है। CO2 तो एक्सटर्नल आउट हो जाती है, चिमनी से बाहर निकाल दी जाती है और हमारे पास में हमको लाइन मिल जाता है। ये जो लाइन बना है हमारे पास में वो थर्ड जोन इज कॉल्ड क्लिंकरिंग जोन। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो 1100 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है इसका। और यहाँ पे ये CaO है वो किसके साथ में, वो SiO2 के साथ में डिफरेंट रेशियो के अंदर कंबाइन कर जाता है। डिफरेंट रेशियो के अंदर कंबाइन कर जाता है CA और SiO2। जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चार तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं। वो रिएक्शंस में आपको फ्लो चार्ट के बाद में पूरी क्लीन एक्सप्लेन करूंगी। अभी केवल इतना ध्यान रख लो, क्लिंकरिंग जोन के अंदर CaO, कैल्केनियस मटीरियल, अर्जिनेशियस मटीरियल, ये दोनों कंबाइन करके डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं। फोर तरह के कंपोनेंट बनते हैं यहाँ पर बेटा। ठीक है, ये क्लियर हो गई, समझ में आई? वापस से बोल रही हूँ, रोटरी क्लीन की चीज आपको, रोटरी क्लीन के अंदर बर्निंग की जाती है। इनका मतलब होता है भट्टी, भट्टी के अंदर जिसमें गर्म किया जाए रॉ मटेरियल्स को। हमारे पास में सबसे पहले रॉ मटेरियल आए क्रशिंग की, क्रशिंग करने के बाद में उनको दोनों को आपस में मिक्स किया। मिक्स किया तो ड्राई मिक्स और वेट मिक्स दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ड्राई 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 मटेरियल को मिक्स कर दिया जाता है तो जो मिलता है उसको ड्राई मिक्स बोलते हैं। बट यदि हमारे पास में जो सिलिका अर्जिनेशियस मटेरियल है उसको हमने वाटर के साथ में क्लीन कर दिया, धो दिया ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को निकालने के लिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर 40% वाटर जो है रिमेनिंग रह जाता है। तो जो हमारे पास में अब मिक्सचर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 40% मिक्सचर, 40% वाटर होता है उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं स्लरी। अभी हमारे पास में ड्राई मिक्स और स्लरी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में ये जो मिक्सचर रेडी हुआ है कैल्केरियस और अर्जिनेशियस मटेरियल की, इसकी क्या की जाती है, बर्निंग की जाती है। उसको गर्म किया जाता है ताकि वो आपस में फ्यूज हो जाएं, दोनों आपस में रिएक्शन करें, इसके लिए बर्निंग की जाती है। बर्निंग कहाँ की जाती है, बर्निंग रोटरी क्लीन के अंदर की जाती है। रोटरी क्लीन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जोन होते हैं, इनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। फर्स्ट जोन का टेम्परेचर वो मतलब 100 to, सॉरी 100 to 500 कह सकते हो, यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन के अंदर क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पूछता है तो जितना भी वाटर है वो क्या होएगा, इवेपोरेट होने स्टार्ट कर देगा। तो ये अपने पास में यहाँ पे टेम्परेचर 1000 to 500 or 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर है वो ड्रन आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर हमारे पास में, क्योंकि मैंने कहा इंक्लाइंड होती है, तो अब क्या होएगा, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो क्या होगा, मटीरियल थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा तो सेकेंड जोन के अंदर, सेकेंड जोन जो है वो क्या आएगा हमारे पास में, कैल्साइनिंग जोन। कैल्साइनिंग जोन में क्या होता है, टेम्परेचर और ज्यादा होता है, इट इज 1100 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लाइमस्टोन होता है बेटा वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो क्या बना लेता है, वो CaO और CO2 बना लेता है। CO2 गैस जो बनती है वो एक्सपेल्स आउट हो जाती है और CaO ये जो बन गया हमारे पास में फर्दर रिएक्ट करेगा थर्ड जोन के अंदर जाके, फिर वो हमारे पास में आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ जो SiO2 और CaO है ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्लिंकर बना लेते हैं।
क्लिंकरिंग जोन इसीलिए इसको बोला जाता है। यहाँ पे ग्रेश कलर की मटर की दाने की गोलियां बन जाती हैं। जब कैल्केरियस अजीनेशियस मटेरियल आपस में फ्यूज हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है, तो वहां पे जो बनता है वो क्या कहलाता है? क्लिंकर कहलाता है। क्लिंकर क्या होता है? मटर के दाने की गोलियां होती हैं, ठीक है। अब मटर के दाने की गोलियां बनने के लिए यहाँ पे चार तरह के रिएक्शन होते हैं दोनों के बीच में। ये दोनों रिएक्शन करते हैं और चार तरह के कॉम्पोनेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। This is burning over. Burning के बाद में क्या हुआ? Clinkers मिल गए। Clinkers का क्या करना पड़ेगा? Clinkers मटर के दाने की गोलियां होती हैं और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे निकली होती है तो बहुत ही रेड आउट होती है, गर्म होती है। उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में उसमें थोड़ा सा जिप्सम भी साथ में ग्राइंडिंग करते समय मिला दिया जाता है। जो क्लिंकर्स बने उनका क्या किया जाएगा? ग्राइंडिंग किया जाएगा, उनको पीसा जाएगा। जब उनको पीसा जाता है तो उसके अंदर माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर जिप्सम मिला दिया जाता है टू डिले द इनिशियल सेट टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो इनिशियल सेट टाइम है उसको डिले करने के लिए माइन्यूट अमाउंट के अंदर जिप्सम कब मिलाया जाता है? जब क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग की जाती है, क्लिंकर्स को पीसा जाता है। जब उसको पीस लिया बेटा तो हमारे पास में सीमेंट रेडी हो जाता है। अभी जो सीमेंट हमारे पास में रेडी हुआ है उसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए और टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बाद में इसको सिलोस के अंदर, बोरी के अंदर, सिलोस बोलते हैं उसको हम लोग, सिलोस के अंदर पैक कर दिया जाता है, पैकेट के अंदर पैक कर दिया जाता है एंड डिस्पैच टू द मार्केट। That is the complete procedure of the cement, ठीक है। सीमेंट के अंदर रॉ मटीरियल हमने पढ़ लिए, सीमेंट के अंदर स्टेप्स पढ़ ली। स्टेप्स कितनी थी बेटा? पांच स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप हमने कौन सी पढ़ी बेटा? क्रशिंग पढ़ी। सेकेंड स्टेप हमारे पास में क्या थी? मिक्सिंग। थर्ड स्टेप क्या थी हमारे पास में? बर्निंग। फोर्थ स्टेप क्या हो गई हमारे पास में? ग्राइंडिंग। और फिफ्थ स्टेप हमारे पास में क्या हो गई बेटा? लास्ट, दैट इज पैकिंग। These are the five steps which you have to record in your mind. अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। Now we are going for the flow chart. यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। We are going to draw the flow chart of this manufacturing process. चले आगे। क्लीन करूं बोर्ड में। Write down in chat. बोर्ड क्लीन करें क्या? ओके, साथ साथ में आप लोग ड्रॉ करते चले जाएं ताकि बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हमने रो मटेरियल ले लिया। रो मटेरियल के अंदर मेरे पास में क्या क्या आता है बेटा? कैल्केरियस मटेरियल होता है, कैल्केरियस मटेरियल, और दूसरा क्या होता है बेटा? अर्जेनेशियस मटेरियल। कैल्केरियस मटेरियल मतलब हमने क्या मिलाया यहाँ पर? कैल्केरियस मटेरियल के लिए CaCO3 मिलाया, चौक मिलाया, कैल्साइट मिलाया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। एंड दे प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करने का काम करते हैं? ये CaO प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यदि हम अर्जेनेशियस मटेरियल देखें तो किससे मिलता है हमको? ये सिलिका से मिल सकता है, SiO2, क्ले, सैंड है, इन सभी से हमको मिल सकता है, स्लेक से मिल सकता है। तो ये किसका सोर्स होते हैं? ये SiO2 का सोर्स होता है, ठीक है। जब रॉ मटेरियल हमारे पास में मिल गया तो इसको हमें क्या करना होता है? सबसे पहली स्टेप जो थी हमारे पास में क्या थी? फर्स्ट स्टेप थी क्रशिंग। फर्स्ट स्टेप थी हमारे पास में क्या? क्रशिंग। क्रशिंग मतलब दे क्रश एंड रोलिंग मिल्स। जो मिल्स होती हैं, चक्कियां होती हैं, चक्कियां आटा पीसने की जैसी चक्की होती है ना बेटा, वैसे उनको पीसने की भी मिल्स होती हैं। तो यहाँ पे इनको क्रश्ड एंड रोलिंग मिल्स के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है?
इसको पीस दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। सेम यहाँ पे पर हमारे पास में दो चीजें मिलती हैं, या तो हमारे पास में क्या होएगा, ड्राई प्रोसेस अप्लाई होगा, या फिर हमारे पास में वेट प्रोसेस अप्लाई होगा। ठीक है, ड्राई प्रोसेस के अंदर क्या मिलेगा हमारे पास में, ड्राई मिक्स, मतलब ड्राई मिक्स मिल जाएगा, और वेट प्रोसेस के अंदर हमारे पास में वेट मिक्स कह लो, या क्या कह लो उसको, स्लरी, स्लरी के फॉर्म के, मतलब गीला 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 मिलेगा हमारे पास में, इसकी मिक्सिंग नहीं की है। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो आया है अपने पास में, चाहे स्लरी हो चाहे इन दोनों में जो भी होगा हमारे पास में अवेलेबल, आपने वेट प्रोसेसिंग किया है या फिर ड्राई प्रोसेसिंग किया है, इन सभी का हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इसका हम करते हैं प्रोपोर्शनेटिंग। स्टेप वन हो गया हमारे पास में क्रशिंग, क्रशिंग के बाद में इसके हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटिंग, प्रोपोर्शनेटिंग ये एक्चुअली ऑटोमेटिक होता है, प्रोपोर्शनेटिंग एंड ग्राइंडिंग दोनों को साथ में मिला के पीसा जाता है, ग्राइंडिंग इन बॉल मिल्स, बॉल मिल्स के अंदर इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। आफ्टर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगी हमारे पास में, स्टेप टू आ गई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेटा, मिक्सिंग कर रहे हो, दिस इज स्टेप टू। अपने के लिए जुडिशियस मटीरियल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ये प्रोपोर्शनेटिंग करते ही मिक्सचर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मिक्सचर जैसे ही रेडी होगा तो मेरे पास मिलेगी, या तो हमारे पास क्या मिलेगा, ड्राई मिक्स मिल जाएगा, या फिर हमारे पास क्या मिल जाएगी, इसे स्लरी मिल जाएगी, सेमी सॉलिड। स्लरी के अंदर क्या होता है बेटा, 40% वाटर रहता है। ठीक है, मिक्सिंग के अंदर या तो ड्राई मिक्सिंग होगी या वेट मिक्सिंग होगी। यदि हमारे पास में यहाँ पे ये जो वेट मिक्सिंग की जाती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, ये वेट मिक्सिंग किया जाता है, टू रिमूव ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, तो ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे वेट मिक्स बनता है हमारे पास में, पानी के साथ में इसको, और किसमें किया जाता है, इन द वॉश मिल्स, वॉश मिल्स होती हैं, धोने की मिल्स होती है, जिसके अंदर इसको धोया जाता है, वॉश इन वॉश मिल्स विद वाटर। अच्छा, अब हमारे पास में क्या हो गया बेटा, हमारे पास में स्लरी और ड्राई मिक्स मिल गया, इनको जो मिला है इसको कलेक्शन करने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, कलेक्शन एंड स्टोर इन टैंक, कलेक्शन एंड स्टोर इन टैंक, टैंक्स के अंदर इनको हम स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर स्टोर हमको क्या थर्ड स्टेप पे पहुंचना है, थर्ड स्टेप मतलब हमारे पास में क्या आ जाना चाहिए, बर्निंग प्रोसेस आ जाना चाहिए। बर्निंग कहाँ पे कराते हो, रोटरी क्लीन के अंदर कराते हो, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगी हमारे पास में, रोटरी क्लीन आ जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास में जो ड्राई मिक्स और स्लरी है उसको हम लोग डाल देंगे। जब ड्राई मिक्स और स्लरी को हम लोग डाल देंगे तो ऐसी यार पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा यार, सभी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पर, प्लीज राइट डाउन इन चैट। मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये बताओ मेरे को। थोड़ा सा मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ और विजिबल आप अभी ठीक है क्या? क्या कर सकती हूँ, ओके काम करें, या तो फिर मैं पीडीएफ नोट से पढ़ाऊँ आप लोगों को,
सीधा नोट शेयर करके तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसमें एटलीस्ट मैं लिख रही हूँ तो बोर्ड पे कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। मैं थोड़ा अक्षर बड़ा लिखती हूँ यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके क्लियर नाउ, ठीक है। रोटरी जीन के अंदर हम जो स्टेप करते हैं दैट इज बर्निंग। बर्निंग के अंदर मैंने आपको बताया रोटरी जीन के अंदर क्या होता है हमारे पास में जोन होते हैं, थ्री जोन होते हैं, जोन वन, जोन टू और जोन थ्री। क्लियर, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या मिल जाता है, हमारे पास में क्लिंकर्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, क्लिंकर्स मिल जाते हैं। क्लिंकर्स क्या होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं क्योंकि क्लिंकरिंग जोन जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही रेड आउट होते हैं। तो इसकी हमें क्या करनी पड़ती है, इसको कूल करना पड़ता है, कूल विद द कूलर्स, कूलर्स लगे होते हैं जिससे हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में इसकी क्या की जाएगी हमारे पास में, इसकी हमको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करेंगे। और ग्राइंडिंग करने से हमें क्या मिलाना है, इसके अंदर क्या मिलाना है बताओ, इसके अंदर जिप्सम मिलाना है। तो ये हमारे पास में स्टेप नंबर 4 आ गई, दैट इज ग्राइंडिंग। फोर्थ स्टेप हमारे पास में ग्राइंडिंग हो, एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास में, क्वालिटी कंट्रोल करोगे और सीमेंट रेडी करके उसको मार्केट में पैक करके बेच देंगे। यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा लास्ट के अंदर पैकिंग। पैकिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये पैकिंग हो गया, पैकिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टेस्टिंग होएगी, टेस्टिंग होएगी, क्वालिटी कंट्रोल होएगा एंड पैक इन टू द सिलोज। उसके बाद में इसको सिलोज में बैग में पैक करके इसको मार्केट में बेच देंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 5। दिस इज अ कंप्लीट फ्लो चार्ट विद शोइंग। अच्छा यहाँ पे इसके बर्निंग के लिए क्या मिला है, बर्निंग के लिए यहाँ पे हमको क्या मिलाना पड़ेगा, पाउडर्ड कोल भी तो मिलाना पड़ेगा और फ्यूल ऑयल, या फ्यूल ऑयल मिलाना पड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये बर्निंग होगी, गर्म होगा। मैं फ्लो चार्ट को वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा फ्लो चार्ट एक बार अच्छे से समझ लो क्योंकि कल जो मैं कराने वाली हूँ रोटरी क्लीन बना के, उसके अंदर ये सभी चीजें आने वाली हैं। बट मेक श्योर कि आप लोगों को अच्छे से ये लर्न करके आओगे, पढ़ के आओगे तो समझ में अच्छे से आएगा। वी आर गोइंग टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमको पढ़ना है किसका, मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट का। इस फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास में सबसे पहले क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। रो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कैल्जीरियस मटेरियल विच इज सोर्स ऑफ CaO। वो CaO का ये कहाँ से मिलता है, ये लाइमस्टोन से मिल सकता है, ये मार्बल से मिल सकता है, कैल्साइट से मिल सकता है। कैल्जीरियस मटेरियल CaO प्रोवाइड कर देगा। सेकेंड हमारे पास में रो मटेरियल कौन है, अर्जिनेशियस मटीरियल। अर्जिनेशियस मटीरियल कहाँ से आएगा, क्ले से आएगा, सैंड से आएगा। ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये SiO2 प्रोवाइड करेगा, SiO2 और माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर ये आयरन और अल्यूमिनियम Al2O3 और Fe2O3 को भी प्रोवाइड करता है। मिट्टी के अंदर होते हैं ये, क्योंकि क्या होता है माइनिंग से निकलती है ना, तो इसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर Al2O3 एंड Fe2O3 भी होते हैं। अब हमारे पास में ये जो रो मटीरियल है इन दोनों की क्या हो गई, क्रशिंग हो गई। क्रशिंग होने के बाद में हमारे पास में इनकी प्रोपोर्शनलिटी की जाती है, अर्जिनेशियस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल इन दोनों की क्रशिंग होती है इसके अंदर, रोलिंग मिल्स के अंदर। रोलिंग मिल्स के अंदर यहाँ पे आफ्टर क्रशिंग, क्रशिंग के बाद में ठीक है, रोलिंग मिल्स जैसा इनका शेप होता है ना उसके अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाता है। रोलिंग मिल्स होती तो रोलिंग मिल्स बॉल शेप में होती तो बॉलिंग बॉल मिल्स बोल देते हैं इसको हम। रोलिंग मिल्स के अंदर क्रशिंग होती है, क्रशिंग के बाद होती है प्रोपोर्शनेटिंग की जाती है। हर कंपनी का फिक्स होता है कि उसको 69% लो ये लेना है या ये 17% लेना है, तो उनका रेशो फिक्स होता है। वो ऑटोमेटिक मशीन होती है, ऑटोमेटाइजेशन से उसके अंदर दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। आफ्टर मिक्स होने के बाद में प्रोपोर्शनेटिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग कहाँ की जाती है, बॉल मिल्स के अंदर की जाती है। बॉल मिल्स क्या होती है, बॉल की शेप में होती है, इसलिए इसको बॉल मिल बोलते हैं। प्रोपोर्शनेटिंग करने के बाद में हमारे पास में ड्राई मिक्स या स्लरी मिल जाएगा। स्लरी जो मिलेगी उसके अंदर 40% वाटर होता है।
अब इसको हम लोग पैक कर देते हैं टैंक्स के अंदर। टैंक्स में पैक करने के बाद में इसकी बर्निंग की जाती है। बर्निंग किसके अंदर करते हैं? रोटरी क्लीन के अंदर की जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है? पाउडर गुड़ और फ्यूल ऑयल यूज किया जाता है, जिससे रोटरी क्लीन के अंदर इस भट्टी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे एक दो तीन जोन हो जाते हैं। फर्स्ट जोन जिसके अंदर टेम्परेचर 100 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सेकेंड के अंदर हमारे पास में 1000 to 1100 के आसपास टेम्परेचर रहेगा और थर्ड के अंदर 1500 के आसपास हमारे पास में टेम्परेचर रहेगा। तो तीन डिफरेंट जोन होते हैं, ड्राइंग जोन, कैल्साइनिंग जोन और ट्विंकलिंग जोन। इससे तीनों जोन होते हैं रोटरी क्लीन के अंदर। थर्ड जोन के बाद में जो भी मिलता है होता होता है क्लिंकर्स होते हैं। क्लिंकर्स क्या होते हैं? मटर के दाने की गोलियां होती हैं, ग्रेश और रेड हॉट, बहुत ही गर्म होती है। थर्ड जोन का टेम्परेचर 1500 होता है। तो जो क्लिंकर मिलता है हमको, जिसके अंदर सी ए और एस आई ओ टू डिफरेंट रेशियोज के अंदर कंबाइन कर जाते हैं, तो बहुत ही रेड हॉट होता है, उसको बोलते हैं क्लिंकर। इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग के समय इसके अंदर जिप्सम मिला दिया जाता है। जिप्सम मिलाने के बाद में इसकी टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल होती है और लास्ट में पैकिंग करके, पैकिंग इन सिलोज और पैकेज, इसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट स्टेप देखिए क्रशिंग, सेकेंड हमने देखी मिक्सिंग, थर्ड हमने देखी बर्निंग, फोर्थ हमने देखी ग्राइंडिंग और फिफ्थ हमने क्या देखी? पैकिंग। दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसको उतारना चाहते हो तो उतार लो, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? देखो ऐसे यू टू और सी जो होता है वो डिफरेंट रेशियोज के अंदर कंबाइन करता है। कल हम इसकी रिएक्शन सारी देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस रेशियो के अंदर आपस में कंबाइन करते हैं, राइट? क्लिंकरिंग जोन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स बनेंगे, उसकी रिएक्शन हम लोग कल चेक करेंगे, कल बताऊंगी मैं आपको, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। हर्षल अभी से कहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाती है? 10:20 का टाइम है ना नेक्स्ट क्लास का, तो आपका ओके आप लोग यहीं तक पढ़ना चाहते हो तो यहीं तक पढ़ो। विल स्टार्ट योर नेक्स्ट क्लास टुमारो। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कैसे हो गई? 10:10 पर थी ना बेटा नेक्स्ट क्लास, 10:10 पे तो ये वाली मेरी क्लास खत्म होएगी, देन यू विल गो फॉर 10:20 फॉर द नेक्स्ट क्लास ना। इशिता इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट हो गई आज आपकी क्लास? तो बेटा ये तो उनका उनको बोलो आप कि 10:10 तक तो मेरी क्लास है, मेरे को आधा घंटा ही मिलेगा तो फिर कैसे कोर्स कंप्लीट करेंगे अपन लोग? अभी तो 10:09 ही हुए हैं मेरे मेरे इधर। चलो इट्स ओके, गो फॉर द क्लास।